अनुल मुलेंगम किबांगम किबा दो अनुल ताली बजाय दूत का आरु जोर जोर वो चिपुक तके ये एक्चुअली कोई एक हमारा कोलमा आइलैंड बीओ जो बोलता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है, आजकल जितना भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हर बस्ती में, हर रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में बना रहा है, तो जितना भी औरत लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहा है उसी में उसको देखभाल के लिए एक पूरा एक जो एरिया का क्लस्टर जो बोलता है उसका एरिया का मिला के एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। उसका अंदर में सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कि कोलमा आइलैंड में अभी 10 तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसका अंदर में, और 2 तो आने जा रहे हैं, 12 तो होगा। एक में मिनिमम 10 मेंबर होता है, तो ये लोग कलेक्टिव अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर वो ग्रुप का द्वारा माने कुछ कुछ करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम से। जैसे इसमें आप हर चीज़ में, हर प्लेटफॉर्म में इसको इसका थ्रू उन लोग एग्जीक्यूट करता है। तो इन लोग यहाँ में एक प्लॉट लिया है, मतलब लीज में लिया है लेके, या अम्बा में लेके, इन लोग आज यह ऑफिस बनाया, ऑफिस बना के हम लोग को इनोग्रेशन करने दिया और हम लोग को कुछ एक दो सब बात बोलने दिया। तो हम लोग भी उन लोग का जो काम को बहुत अप्रिशिएट किया और आगे में क्या क्या मिलके करना है उसको हम लोग अच्छा से डिटेल में बताया। और आज का जो प्रोग्राम है जो भी हो बहुत अच्छा से किया, एकदम सही ढंग से किया, ज़्यादा भी लेंथी प्रोग्राम नहीं, शॉर्ट भी नहीं, एकदम जैसे प्रोग्राम होना चाहिए ऐसे किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल, हम लोग को इसमें एक दो शब्द रखने का उन लोग ने मौका भी दिया। और आगे भी जिस दूसरा जगह में भी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अभी अच्छा काम कर रहा है, और हमारा दैमुक में तो अभी बहुत 2 साल ही हुआ ये सब, लेकिन भी बहुत रैपिड से बढ़ रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन, लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं और आगे भी ये करते रहो बोल के हम दुआ करता है, अच्छा से करो बोल के। मेरा नाम तबा अमित अना है और मैं कोलमा आइलैंड बीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम लोग का यहाँ कोलमा आइलैंड नाम भी हम ही रखा था एक्चुअली, थोड़ा यूनिक रखेगा सोच के। तो अभी कोलमा आइलैंड बीओ में 10 ग्रुप है अभी, तो उसमें टोटल 101 वुमेन मेंबर है ना। तो अभी और 2 ग्रुप ऐड होने जा रहा है। तो अभी हम लोग का यहाँ बहुत रूल एंड रेगुलेशन होता है। अभी दो तो ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन वो लोग बीओ में एंट्री करने के लिए उसका लिए 6 मंथ वेट करना पड़ता है। तो क्या करता है गवर्नमेंट लोग, स्टाफ लोग जाके अच्छे से वेरीफाई करके उसका बाद उन लोग को रूल एंड रेगुलेशन ट्रेनिंग वगैरह मीटिंग कंडक्ट करके अच्छा से ट्रेन करके तभी बीओ में एंट्री कर सकता है। इसलिए हम लोग 6 मंथ के लिए रुक रहे हैं ना। तो अभी हम लोग 10 ग्रुप में औरत लोग बहुत सपोर्टिव है हम लोग का यहाँ ना। तो सपोर्ट का वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है ना। तो हम लोग भी ऑफिस बनाने के लिए बहुत पैसा रुपया तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे हो कि हम लोग ने आगे खुद से हम लोग और बोलता है आगे हम अपना से तो आगे डोनेशन करके तो दूसरा को उम्मीद करना है ना। तो ऐसे हो कि हम लोग बहुत डोनेशन किया है। तो ऐसा करके हम लोग लास्ट में हम लोग देविया मुझ सर भी हम लोग को मदद किया था ना। तो इसलिए हम लोग बहुत दिल से खुश होके इसको चीफ गेस्ट में बुलाया। तो कोलमा आइलैंड ये आप लोग बीओ का क्या इम्पोर्टेंट है बोलने से, बीओ में ऐसा होता है हम लोग का जब इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है तो उसमें क्या होता है मिनिमम 7 मेंबर होना पड़ता है। 7 से नीचे होने से और ग्रुप फॉर्म नहीं हो पाते है ना। तो मिनिमम 7 मेंबर एंड मैक्सिमम 12 मेंबर होना है। तो ऐसे होके हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, हम लोग इतना बड़ा काम या बस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता है छोटा ग्रुप में ना। तो ऐसे होके हम लोग को बीओ फॉर्म कराता है। बीओ फॉर्म करने से क्या होता है, जितना औरत आएगा, जितना आएगा ना ज़्यादा ग्रुप होने से, तो उसी में आइडियाज़ बहुत होता है और कुछ कुछ आगे क्या करना है क्या नहीं करना है सब औरत से डिस्कशन हो के तो बड़ा काम कर सकता है। तो जैसे कि बड़ा काम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम, जैसे कि हम अपना बस्ती लेवल में जैसे कि साफ सफाई हो गया, कहीं एबुशमेंट हो रहा है ना, कहीं चाइल्ड लेबर या कहीं
डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसी में हम लोग मिलके कर सकता है, इसलिए बीओ जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बीओ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्फ हेल्प ज्वाइनिंग होके और जो ग्रुप या बीओ बनता है ना, तो इसलिए बीओ बनके हम लोग बहुत खुश हैं। तो हम लोग आगे भी जाके अभी एक्चुअली हम लोग का ऑफिस के लिए हम लोग बहुत चिंता था। ऑफिस होने का बाद तो अपना घर ठीक होने का बाद हम लोग अपना बस्ती के लिए कॉलोनी के लिए कुछ भी प्रॉब्लम होने से उसको हम स्टेप उठाएगा। तो आज हम लोग बहुत खुश है, हम लोग का एक ऑफिस तो बन गया ना, छोटा होने से भी हम लोग का ऑफिस तो बन गया, इसलिए हम लोग बहुत खुश है। और आगे बोलने के लिए तो कुछ नहीं, सबको थैंक यू। सबको नमस्ते, मेरा नाम लेमखा माफी है और मैं अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन में ऐसे ब्लॉग मिशन मैनेजर के पोस्ट में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो दिन है वो एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ है। तो ये बेसिकली अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो डे एन आर एल एम बोल के एक नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसको स्टेट लेवल में इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसके अंदर में हम लोग जो है पूरे अरुणाचल एंटायर अरुणाचल में बस्ती लेवल में मीटिंग वगैरह करवा के सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो SHG का मेन रोल तो वही है, एक दूसरे को आपस में देखना है और अपना लाइवलीहुड को बढ़ाना है। तो इसमें हम लोग पूरा डिपार्टमेंट वाले ट्रेनिंग्स वगैरह भी देते हैं और उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अभी ऐसा हो जाता है कि बहुत SHG रुक जो है अपने लेवल में तो छोटा छोटा काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ बड़ा काम करना होता है तो उसमें थोड़ा सबका साथ में मिलके करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम जो है आफ्टर 6 मंथ बस्ती वाला को देख के कम से कम 5 SHG को मिला के हम जो है विलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। तो इनका मेन मुद्दा यही होता है कि बस्ती में कुछ भी सोशल इश्यूज़ हो गया या फिर मारू को लेके एक लड़की को लेके किस तरह से हम लोग जो है बस्ती को आगे बढ़ा सकता है उसको लेके वो लोग जो बातचीत करते हैं। तो इसमें उनको मीटिंग बैठने में बहुत इश्यू होता है, घर घर में मीटिंग बैठना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि आज का जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन कोलमा आइलैंड बोल के जो इनका ऑफिस इनाग्रेट हुआ है, इनका 10 SHG है। तो 10 SHG में अगर हर ग्रुप में से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जो होता है 3-3 जो हम लोग जो फॉर्मेशन समय में फॉर्म निकालते हैं वो लोग जो है मीटिंग बैठने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये इनोग्रेशन जो ऑफिस आज का फॉर्म हुआ है वहाँ में वो लोग बैठ के अभी आराम से एक जगह में मीटिंग कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि इनका मेन मुद्दा वही है, बस्ती में अपना बस्ती में लेके कुछ भी इश्यूज़ होता है उसको वो लोग जो है आपस में बैठ के उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो सबको लेके बात करते हैं। और उसी का आज जो इनॉग्रेशन हुआ मेन पर्पस वही था कि आगे जाके वो लोग जब भी मीटिंग करेंगे तो बस्ती को लेके वो लोग जो है आपस में बात करके कैसे आगे बढ़ सकता है उसके ऊपर में बात करेंगे। इसके बाद में साथ ही साथ अपना जो लाइवलीहुड होता है उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे। वही था जी, थैंक यू।